हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेनियामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे स्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फ़ैसला करती है जब रोय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे से कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉय बारहवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज़ नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और कृष्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज़ नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रोय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन एज के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्ररी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नजर आएंगे, सुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह वा पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है परवाह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फ़ैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वह वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म जुड़े से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनियामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्री ने और सजे से कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालविका मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएँ छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फ़ैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी माँ की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनियामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिली जुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्री ने और सजे बेस्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नजर आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारहवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह वा पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वह वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्टी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेनियामिन और जी आर इंदुगोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे स्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगी इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएँ छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रोय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म जुड़े से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे स्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को सत्रह फरवरी दो हज़ार तेईस को एक सौ मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज़ नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विनरी ने और सजे से कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी पे प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एलविन हैंनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेन्यामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नजर आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारहवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज़ नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रोय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन एज के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्ररी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालविका मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्री ने और सजे से कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालविका मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फ़ैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनियामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिली जुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्री ने और सजे बेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नजर आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारहवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वह वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्टी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेन्यामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिली जुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन हैंनरी ने और सजे स्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएँ छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रोय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे स्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को सत्रह फरवरी दो हज़ार तेईस को एक सौ मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फ़ैसला करती है जब रोय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है या देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि ये फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेन्यामिन और जी आर गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनमिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नजर आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देखकर वह डर जाता है और घर जाकर था कि वह पागल है और वह वहां ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी पे प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी ने किया है और इसे बेन्यामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म जुड़े से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन हैंनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ़ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे, सुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगी इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज़ नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है या देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन एज के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी ने किया है और इसे बेनियामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्ररी ने और सजे से कन्नन कन्न सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालविका मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर Yeah. <laughs> स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज़ नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रोय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिली जुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन्री ने और सजे से कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालविका मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है या देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म जुड़े से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्टी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदुगोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिली जुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विन हैंनरी ने और सजे से कन्नन कन्न सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएँ छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख कर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वह वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्टी फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेर हेनरी ने किया है और इसे बेनियामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिली जुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे स्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नजर आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉय बारहवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह वा पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म की स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विनरी ने और सजे से बेस्टियन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे, क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एल्विनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीशन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को सत्रह फरवरी दो हज़ार तेईस को एक सौ मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नजर आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की माँ को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी प्लेटफॉर्म तो ओ टी प्लेटफॉर्म अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हो जिससे आपको यह पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेन्यामिन और जी आर गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है हेनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को सत्रह फरवरी दो हज़ार तेईस को एक सौ मिनट की अवधि के साथ रिलीज किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नजर आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे सुशी के रूप में वीना नायर नजर आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएं छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है यह देखकर वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते है उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है क्रिस्टी तो यह फिल्म कौन सी है और अगर आप भी क्रिस्टी फिल्म जो कि 2023 में रिलीज़ हुई है अगर इसे देखना चाहते हैं तो कौन कौन से भाषा में और कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे, कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देख सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताने वाला हूँ और और क्रिस्ट फिल्म के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि यह फिल्म कैसी है और यह फ़िल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो ये वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्रिस्टी 2023 की भारतीय मलयालम भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन एल्विन हेनरी ने किया है और इसे बेनयामिन और जी आर इंदू गोपन ने लिखा है फिल्म में मैथ्यू थॉमस और मालविका मोहनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है यह 17 फरवरी 2023 को सिनेमा को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी इसे समीक्षकों से काफ़ी मिलीजुली समीक्षा मिली थी बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक एल्विन हेनरी हैं और लेखक हैं बेनियामिन जी आर इंदू गोपन इस फिल्म की कहानी दी है एलविन हैंनरी ने और सजे सेबेस्टियन कन्नन सतीसन ने इस फिल्म की उत्पादित की है इस फिल्म को 17 फरवरी 2023 को 142 मिनट की अवधि के साथ रिलीज़ किया गया था और इसे मुख्य तौर पर मलयालम भाषा में रिलीज़ किया गया है इंडिया के अंदर कास्ट की अगर हम बात करें तो रॉय के रूप में मैथ्यू थॉमस नज़र आएंगे क्रिस्टी के रूप में मालवी का मोहनन जोसेफ क्रिस्टी पिता के रूप में जॉय मैथ्यू नज़र आएंगे शुशी के रूप में वीना नायर नज़र आएंगे इस फिल्म के अंदर स्टोरी प्लॉट की बात करें तो 2007 के पुअर में रॉ बारवीं कक्षा के छात्र हैं जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए कक्षाएँ छोड़ देते हैं वह पुअर बॉयज़ नामक नृत्य मंडली में भी जाता है वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने पिता की बहन के साथ रहता है रॉय की मां को उसकी पढ़ाई में लगन की कमी के बारे में पता है और वह उससे कहती है कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो वह घर लौट आए उसकी चाची विरोध करती है और उसे क्रिस्टी नामक उच्च माध्यमिका शिक्षक के अधीन ट्यूशन के लिए भेजने का फैसला करती है जब रॉय क्रिस्टी के घर आता है तो वह उसे एक पागल औरत की तरह कमरे में बैठे हुए और सभी तस्वीरें फाड़ते हुए देखता है या देख वह डर जाता है और घर जाकर कहता है कि वह पागल है और वो वहाँ ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा अगले दिन चर्च से निकलते समय क्रिस्टी उससे मिलती है और उसे कल ट्यूशन के लिए आने के लिए कहती है स्कूल में रहते हुए रॉय की मुलाकात एक शिक्षक से होती है जो उसे सूचित करता है कि केवल उसकी मां की दलीलों के कारण ही उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है इसके चलते उसने ट्यूशन के लिए क्रिस्टी के घर जाने का फैसला किया जैसे ही रॉय उसका इंतजार करता है वह अपने पिता के साथ आती है और उसे उल्लेख करती है दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको आपके टीन के समय की याद दिला देगी और काफ़ी मधुर टाइप की एक लव स्टोरी इस फिल्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी तो ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए तो अगर मैं आपको बता दूँ कि यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अभी इस फिल्म का कोई निरीक्षण नहीं हुआ है और यह फिल्म आपको सोनी लेप पर मलयालम लैंग्वेज में ही फिलहाल देखने के लिए मिल जाएगी जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम आपको बता दिया जाएगा